मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज कौन सा क्लास होगा? नरेशन 2.0। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? नरेशन। नरेशन का जो अदर नेम है वो क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? तो चलो इसको बोर्ड पे देखते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। आज जो मैं तुम सबको नरेशन जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल अलग, बुक से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट। आज तक तुमने ऐसा नरेशन बुक में नहीं देखा होगा। क्लियर है? इसको चलो आसान भाषा में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको हेडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हेडिंग करेगा तुम सब क्या, पहला हेडिंग कर देगा नरेशन। क्या है? नरेशन। नरेशन का अदर नाम की बात करें तो क्या कह सकता है तुम सब? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहेगा? रिपोर्टिंग स्पीच। अगर इसका एक और अदर नाम का बात करें तो क्या होगा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है यहाँ तक? Yes. अब देखो, रिपोर्टिंग स्पीच कहो या फिर नरेशन कहो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहो, तीनों क्या है? एक ही चीज़ है। तीनों क्या है? एक ही चीज़ है। और तीनों का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या होगा? कथन होगा। वेरी गुड। क्या होगा? कथन। यहाँ तक क्लियर है? नरेशन का कितना नाम है? तो कुल मिलाकर तीन नाम है। कौन कौन? रिपोर्टिंग स्पीच, नरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसका हिंदी क्या होगा? कथा। कहने का मतलब क्या? कोई भी व्यक्ति जो बात को बोलेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करना, इनडायरेक्टली उसको बताना है। जैसे तुमको यहाँ पे जब मान लेते तुमको, तुम क्या कहेगा कि हमें पटना जाना है, डायरेक्ट बोल रहा है। और तब हम क्या कहेंगे इसी को कि रोहित कह रहा था कि वह पटना जाएगा। बात तो दोनों सेम ही है, लेकिन क्या उसको हम घुमा दिए। तो उसी तरह जो बात सीधा सीधा बोल देगा उसको कहेंगे डायरेक्ट, और उसको तनी घुमा फिरा के बोल दिए तो क्या कहेंगे उसको? इनडायरेक्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ये जो हम बताएंगे इसको लेवल वाइज बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेवल 1.0। क्या पढ़ेंगे? लेवल 1.0। फिर आज लेवल 1.0 पढ़ेंगे, फिर कल लेवल 2-3, इस तरह से 5 लेवल तक बताएंगे, नरेशन A to Z फिनिश्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो लेवल 1 में देखते हैं इसको स्ट्रक्चर पहले, ठीक है। लेवल 1 में हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, इसको कैसे मेक करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है? Say to, या फिर रह सकता है Says to, उसके बाद रहेगा इन्वर्टेड कोमा। अब देखो, यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमा। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमा। ये सही नहीं है, इन्वर्टेड कोमा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इन्वर्टेड कोमास। क्या कहेंगे? इन्वर्टेड कोमास। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, ये देखो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोमा। क्या बोलते हैं? कोमा। और ये क्या है? ऐसा वाला कोमा है, ये उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा। और ये क्या है? मोर देन वन है, मतलब क्या है? एक से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? देखो, एक और रहेगा तो कोमा, और एक से ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? कोमास कहेंगे। क्या कहेंगे? कोमास। तो इसलिए इसका जो कुल मिलाकर नाम हुआ, क्या हुआ? इन्वर्टेड कोमास। क्या कहेंगे? इन्वर्टेड कोमा कहेंगे तो गलत होगा, इन्वर्टेड कोमास बोलना है। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको पहले फार्मूला लिख देते, इसको मिटा देते हैं। तो देखो, इन्वर्टेड कोमास, उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट। तो देखो, इसको बनाने का जो रूल है वो क्या है? Say to. Say to को क्या किस में बदलेंगे? Tell. Say to को बदलेंगे tell में. और अगर says to है तो इसको किस में बदलेंगे? गुड। ये है इन्वर्टेड कोमा, इसके बदले क्या डालेंगे? That डालेंगे। क्या डालेंगे? That. इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस क्या अफर्मेटिव है, फुल स्टॉप लास्ट में इसका होता अफर्मेटिव। और अगर सब्जेक्ट क्या हो? ही या फिर सी या फिर इट या फिर नेम, तो क्या होगा? जैसे का तैसे उतर जाएगा, ठीक है, एज इट। ठीक है, तो ये कहने का मतलब कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, ही सी इट नेम, क्या होगा? जैसा का तैसा उतर जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें तुमको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा हो कि थर्ड पर्सन है कि सेकेंड पर्सन की फर्स्ट पर्सन, ये होता क्या है? ठीक है, तो उसके लिए पहले तुमको एक फार्मूला लिख देते हैं। क्या फार्मूला? फॉर्मूला क्या याद रखना है कि बेटा नंबर 127। क्या याद रखना है? बेटा नंबर 123।
जिसको कहते हैं 27/7, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखो पूरा फुल फॉर्म लिख देते हैं तुमको, क्या लिख देगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन आता है आई एंड वी। ये जो चेंज होगा वो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो यहाँ लिख दिया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन में क्या आता है पहले ये बताओ, इसमें सिर्फ यू आता है, इसमें ब्रह्मा जी शराब दिले है कि तुम सेकेंड पर्सन में क्यों भाई रहेगा, इसमें तोरा कोई नहीं आएगा। देखो फर्स्ट पर्सन में भी दूग है और थर्ड पर्सन में तो तीन है, बहुते हैं, लेकिन सेकेंड पर्सन में की है एकलौता है ना, क्या है एकलौता है, ये हाँ दुलरा है, क्या है दुलरा है, एक बेटा रहता है तो दुलरा रहता है ना। चलो ठीक है, तो यू जो होगा ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसको आराम से बड़े मजे के साथ पढ़ना है, समझ गया। तो देखो यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। उसके बाद क्या आता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या क्या आएगा बताओ, थर्ड पर्सन क्या होता है, ई सी ईट एंड नेम, नो चेंज, नो चेंज। ये क्या होगा, नो चेंज, क्या है नो चेंज, ठीक है। इसको क्या, इसको भोला बाबा क्या कर दिए हैं, शराब दे दिए कि बाबा तू जो है वैसे ये रहेगा, नहीं तू बदलेगा नहीं बदलेगा, ठीक है, तू बदले बदलेगा नहीं, जैसे है वैसे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ही सीट नेम क्या है, जैसे का तैसे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, इसको पहले नोट कर लो, नहीं तो फिर मिटा देंगे इसको आगे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर इसको कैसे बनाएंगे वो आगे बताते हैं, इसको नोट करो। नोट कर लिया सब, यस सर, हो गया, यस सर। तो इसको डिलीट करें, यस सर, रिमूव कर दीजिए। देखो यहाँ से भी एक इंग्लिश वर्ड बताते हैं, जब बोर्ड पे हम किसी चीज को पोच करके मिटाते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइप आउट, क्या बोलते हैं, वाइप आउट, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, वाइप आउट, वाइप आउट। हम देखो ये फॉर्मूला सबको लिखा हुआ है, इसी पे देखो क्वेश्चन बनेगा, वाइप आउट, डब्ल्यू आई ओ यू टी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले क्या फार्मूला जो लिखा हुआ था वो फार्मूला फिर से लिख देते हैं, क्योंकि उस फार्मूले के थ्रू ही हम एग्जांपल को देखेंगे, इसलिए कि उसमें स्पेस नहीं था, ठीक है। आगे देखो, से टू या फिर लिखेंगे सेज टू, उसके बाद क्या था, इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद था सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो बोर्ड पे, से टू को किस में बदलते थे, इस फार्मूला को तुम सबको अपने जुबान पे एनी टाइम रखना है, समझ गया, याद हो गया हुआ, से टू को किस में, और सेज टू को, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे, वेरी गुड। और सब्जेक्ट कौन कौन रहेगा तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलो ये तो फार्मूला हो गया, लेकिन याद क्या रखना है कि फार्मूला जो भी बताए थे, कौन सा फार्मूला, बेटा नंबर 123, इस फार्मूला को फॉलो करना है, समझ गया। यानी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार, और थर्ड पर्सन, बस इतना याद रखना। और फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, अभी तुरंत लिखा आई और बी आता है फर्स्ट पर्सन में, और सेकंड पर्सन कौन आता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज,
ये तो क्लियर हो गया। अब देखो ये सिर्फ क्या, ये नॉमिनेटिव केस की बात किए हैं क्या, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। अब देखो ये जरूरी नहीं कि सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, केस में कुछ भी रह सकता, ऑब्जेक्टिव केस भी रह सकता है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी रह सकता है, पोजेसिव प्रोनाउन भी रह सकता है, तो जैसा रहेगा वैसे चेंज करेंगे। तो इसको समझने से पहले केस को देखते हैं, ठीक है। तो चलो पहले केस लिख देते हैं। केस होता है तीन तरह के, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस, ठीक है। तो चलो देखते हैं केस को, ठीक है। केस जो होता है मेनली कितना, तीन तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन, नॉमिनेटिव केस, यहाँ पे चलो लिख भी देते हैं कौन सा, नॉमिनेटिव केस। दूसरा होता है पॉजेसिव केस, और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब देखो इसको कॉलम बना देते हैं, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे ध्यान दो, नॉमिनेटिव केस को हम लोग क्या, सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, क्लियर है। तो नॉमिनेटिव केस बोलो या फिर सब्जेक्टिव केस बोलो, दोनों क्या है, सेम चीज है। और पॉजेसिव केस को पुनः क्या किया गया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, तो एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पर्सन कितना होता है, तीन। कौन कौन, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई एंड वी। तो आई का जो होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव वो क्या होता है, माई, क्या होगा, My. और पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है इसका क्या होता है, मी, क्या होता है, फिर वी, वी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर, पोजेसिव प्रोनाउन होता है इसका आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, क्लियर है। फर्स्ट पर्सन में कितना आता है, दो। कौन कौन, आई और वी। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माय, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, और ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, क्लियर है। और वी, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। और सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। तो यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा क्या, योर, अब पोजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट दे, ही सी इट दे, क्लियर हो गया। तो देखो ही का क्या होगा पोजेसिव एडजेक्टिव, हीज, क्या होगा, हीज, और इसका पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है हीज, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। उसके बाद सी का क्या होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्स, ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। उसके बाद इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा इट्स, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस होगा इट। दे का क्या होगा, दियर, और इसका होगा दियर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होगा दे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, इसको क्या बोलते हैं, केस। इस केस को याद रखना, नरेशन में हमेशा पर्सन चेंज होता है, नरेशन में हमेशा क्या होगा, पर्सन चेंज होगा। तो कैसे चेंज करना है, देखो अगर मान लेते हैं कि हम माई लिखा है, सपोज यहाँ ध्यान दो, मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है, माई लिखा हुआ, तो माई कौन सा पर्सन आता है, ये देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। तो माई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब मान लेते हैं कि कुछ देर के लिए सब्जेक्ट के जगह पे क्या है, ही है, तो ये जो माई है फर्स्ट पर्सन जिस कॉलम का है उसी कॉलम का चेंज करके हम लोग को लिखना पड़ेगा, समझ गया। यानी माई है अगर इसको ही के अनुसार चेंज करना हो तो इस कॉलम का ही लिखेंगे, तो ही का इस कॉलम का क्या होता है, हीज, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लिखना होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मी लिखा हुआ है, मी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन में ही आता है ना, तो मान लेते किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर मान लेते सब्जेक्ट क्या है, ही है, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ये जैस जिस कॉलम का है उसी कॉलम का ही का सामने वाला लिखेंगे, यानी मी है तो इसी कॉलम वाला क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे, समझ में आ गया। यानी जिस कॉलम का रहेगा उसी कॉलम वाला चेंज करके लिखेंगे। इसको पहले नोट कर लो, फिर इसको मिटा का भी एग्जाम्पल देते हैं, इसको फिनिश करते हैं, इसको नोट कर लो।
हो गया नोट सबका? यस सर। इसको मिटा दें? यस सर। चलो भैया, आपने टेस्ट सुना है भैया? चलो देखो आप बोर्ड पे, ठीक है। अब एक चीज इसमें समझना है कि देखो यहाँ पे क्या है, ये इन्वर्टेड के कोमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, या फिर इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसमें जो वर्ब प्रेजेंट रहता है उस वर्ब को क्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से पहले समझते हैं फिर इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग डायरेक्ट में देखो, क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी दिया रह सकता है, डायरेक्ट में भी इनडायरेक्ट में भी। ट्वेल्थ के बुक में जो ट्वेल्थ के जो एग्जाम होगा 2022 में, उसमें क्या होगा, या तो डायरेक्ट दे देगा तो कहेगा इनडायरेक्ट में बनाने के लिए, या इनडायरेक्ट दे देगा तो कहेगा डायरेक्ट में चेंज करने के लिए। दोनों में से कोई भी दे देगा, अगर तुम सही से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख गया तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट तुम धज्जी उड़ा देगा उसको, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट में क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या, कि राम सेज टू सीता, राम सेज टू सीता इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम कमिंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखो ये क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, हाँ बोलो, इन्वर्टेड कॉमा मतलब स्टार्ट कहाँ कर सकते, ये इसके अंदर सेंटेंस जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा वो सब इसके अंदर होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होना चाहिए, इसलिए कि इसका चेंज होता है। अभी जो बताए थे बेटा नंबर 123 उसका यूज होगा। अभी देखो एग्जांपल इसको बताते हैं, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इनडायरेक्ट, ये क्या है, डायरेक्ट का ये क्वेश्चन है, तो इसको बनाना है किस में, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखो इसको समझना है कि इसको कहते क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है, यानी इसमें क्या है सेज लिखा हुआ, तो इस वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास के भीतर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ ये वाला यहाँ से यहाँ तक आई एम कमिंग, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक कोई दिक्कत? इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब प्रेजेंट है उस वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस लिखा हुआ उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस है और उसमें जो वर्ब लिखा हुआ है उस वर्ब को कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ देता है कि बताओ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो बोलेगा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस रहता है उसमें जो वर्ब प्रेजेंट रहता है उस वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस लिखा रहता है और उसमें जो वर्ब प्रेजेंट रहता है उस वर्ब को कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। जैसे इसमें क्या है, एम कमिंग, ये दोनों वर्ब है, तब इसको कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। और आई एम कमिंग पूरा सेंटेंस है, इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और राम सेज टू सीता में जो सेज वर्ब है, से मैंने कहना, जिसमें ना आता उसको क्या कहते हैं? वर्ब। तो ये वर्ब है से मैंने कहना, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये तो समझ में आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। क्लियर है? अब इसको हम लोग बनाने के लिए सीखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि राम सेज टू सीता आई एम कमिंग, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहले जो सब्जेक्ट है वो लिख दिए, राम है तो राम लिख दिए। अब देखो सेज टू, से टू या सेज टू, से टू रहता है तो टेल में बदलते हैं और सेज टू रहता है तो टेल्स में बदलते हैं। तो सेज टू के बदले क्या लिखेंगे? टेल्स। अब जो ऑब्जेक्ट है वो डाल दिए सीता। अब देखो इन्वर्टेड कॉमा जहाँ से स्टार्ट होता है उसके बदले क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट। अब देखो पर्सन आ गया आई, जैसे ही पर्सन आ जाएगा तो रुक करके क्या देखना है कि ये कौन सा पर्सन का है, ठीक है। तो आई बताओ कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन कौन आता है? आई बी, फर्स्ट पर्सन कौन कौन आता है? आई।
तो आई कौन फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के अनुसार क्या लिखेंगे, ही। यानी इसमें जो इंडायरेक्ट में जो बनाएंगे हमेशा प्रोनाउन का यूज करना, नाउन का यूज नहीं करना। प्रोनाउन है तो ठीक है, अगर प्रोनाउन नहीं है नाउन है तो उस नाउन के अकॉर्डिंग क्या प्रोनाउन को लिखेंगे। तो राम के लिए ही, लड़का के लिए ही, और कोई लड़की का नाम रहता है तो उसके लिए सी। तो क्या लिखेंगे, ही। अब देखो बाकी समय कोई चेंज नहीं करना है। इज एम आर है तो इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ पे वाज वेयर है तो वाज वेयर का ही प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ कैन मे माइट ये सब है तो उसी का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। तो एम है तो यहाँ भी क्या हुआ, यानी इज एम आर का सीरीज का है तो यहाँ भी इज एम आर का ही सीरीज लिखेंगे। तो ही के साथ क्या है, एम तो आएगा नहीं, इज एम आर में ही के साथ क्या आता है, इज आएगा तो लिखेंगे इज, और कमिंग है तो कमिंग लिख देंगे। तो फाइनली क्या बनेगा, राम टेल्स सीता दैट ही इज कमिंग। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, राम सेज टू सीता, राम सीता से कहता है आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। इसका जो इनडायरेक्ट बना है उसका मतलब क्या हुआ कि राम टेल्स सीता दैट, राम सीता से कहता है कि, इसमें देखो डेट लग गया, राम सीता से कहता है कि ही इज कमिंग, वह आ रहा है। सर कोई दिक्कत, हाँ बोलो। बीच में सर डेट रहता तो उसका मीनिंग की होता, हाँ डेट का मीनिंग होगा कि, जब किसी दो सेंटेंस को ऐड कर रहा हो, जोड़ रहा हो तब बीच में, लेकिन अगर ये शुरू में रहेगा दैट तब इसका मतलब होता है वह, और दैट का मतलब उस भी होता है, दैट का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग उसका मीनिंग है। जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा हो तब वहाँ पे दैट का मीनिंग क्या हुआ कि। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो यहाँ से इसको देख लिए हैं, इस एग्जाम्पल को एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम सब खुद बनाएगा, ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मदर सेज टू फादर यू आर अ गुड हबी, एच यू डबल बी वाई, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि क्लियर दिखेगा। सर हबी का मतलब, हबी का मतलब होता है पति, हस्बैंड। तो देखो क्या लिखे हैं कि मदर सेज टू फादर यू आर अ गुड हबी, यानी माता पिता से कहता है कि तुम एक अच्छे पति हो। तब देखो ये डायरेक्ट में है, इसको किस में बनाना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो इनडायरेक्ट में बताओ क्या लिखें, मदर टेल्स, चलो मदर बोला तो मदर लिख दिए, अब क्या लिखें, सेज टू है तो चलो टेल्स में लिख दिए, फादर भी लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट भी लिख दिए। अब देखो यू क्या है, यू कौन सा पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फादर, फादर के लिए क्या लिखेगा, ही। हाँ इज एम आर का है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। उसके बाद जो है पूरा उतार दो, तो क्या बना फाइनली, मदर टेल्स फादर दैट ही इज अ गुड हबी। किसी को कोई दिक्कत, इस फॉर्मूला का यूज करके कोई भी सेंटेंस बन जाएगा। इसको पहले नोट करो फिर इसके कुछ फैक्ट बताते हैं, इसको नोट कर लो। नोट हो गया सबका, चलो इसको मिटाते हैं। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, देखो दो एग्जांपल बता दिए हैं, एक फर्स्ट पर्सन का और एक सेकंड पर्सन का, एक और एग्जांपल देते हैं थर्ड पर्सन का। तो थर्ड पर्सन का एग्जांपल, यानी एग्जांपल हमारे थर्ड होगा, डायरेक्ट में देख लो क्वेश्चन क्या रह सकता है। डायरेक्ट में क्वेश्चन रहेगा, क्या क्वेश्चन रह सकता है, जैसे क्वेश्चन दिए क्या, मुकेश, मुकेश सेज टू अंजलि इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही इज अ गुड बॉय,
मुकेश सेज टू अंजलि ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब ध्यान दो इधर बोर्ड पे, क्या क्वेश्चन लिखे हैं, मुकेश सेज टू अंजलि ही इज अ गुड बॉय, यानी मुकेश अंजलि से कहता है वह एक अच्छा लड़का है। अब ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो इनडायरेक्ट में इसको कैसे बनाएंगे, तो बोलो क्या लिखे हैं। मुकेश टेल्स अंजलि डेट, यहाँ तक तो किसी कोई परेशानी नो सर। अब देखो ये पर्सन आ गया, जैसे ही पर्सन आएगा तो रुकना है, उसको पूछना है बताओ तुम कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, तो बताओ ही कौन पर्सन है, ही सी ईट नेम कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन चेंज होता है जैसे तैसे उतर जाएगा, ही है तो ही उतार देगा, इज ए गुड बॉय। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन का एक एग्जांपल बता दिए, अब कोई भी क्वेश्चन है बन जाएगा। देखो अभी जैसे बताएं इसी आधार पे अभी दो चार क्वेश्चन देते हैं जो कि तुम सबको घर से करके लाना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है किसी को कोई दिक्कत, चलो तो देखो नहीं रहेगा था। हाँ देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ यू रहेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, अगर किसी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे। हाँ। तो ये जब हम लेवल 5 तक बता देंगे, अभी लेवल 1 ही है, फर्स्ट क्लास है नरेशन का, ये जब 5 क्लास कर लेगा तो ये सारा जो भी डाउट है मन में वो क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे जो बच्चे अभी देख रहे हैं उसको डाउट होगा क्या कि टेंस भी चेंज होता है, तो टेंस कैसे चेंज करेंगे। तो ये जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, अभी लेवल फर्स्ट है, लेवल 2-3 जब आएगा तो उसमें सारा डाउट क्लियर होगा जो भी डाउट है। पहले 5 क्लास तक करो, उसके बाद एक भी नरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग अभी सिर्फ लेवल फर्स्ट को सीखे हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, क्लियर है। तो होमवर्क कुछ देते हैं, उसको लिख लेना। देखो ये होमवर्क अभी लिख दिए हैं 5, इसको क्या करना तुम सबको कॉपी में बना करके लाना इस तरह से। okay. और जो यूट्यूब पे देख रहा है बच्चा वो क्या करेगा, इसको बना करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा। अगर इससे रिलेटेड नरेशन से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको वहीं पर मैंसन कर देंगे। ओके okay? अगर किसी कोई दिक्कत है इसमें no, sir! चलो इसको नोट कर लो, यहीं से क्लास को ओवर करते हैं। ओके लिख लो, नोट हो गया सबका। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।